एक बार की बात है, किसी गांव में तारा और निखिल नाम के दो भाई बहन रहते थे। कुछ महीनों पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन दोनों भाई बहन के पास बहुत संपत्ति थी, जिस वजह से वो दोनों सुख से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन वही उनके पड़ोस में रहने वाली जानकी नाम की एक दुष्ट औरत रहती थी। जानकी किसी भी तरह दोनों भाई बहन से संपत्ति हड़पना चाहती थी। फिर एक दिन जानकी दोनों भाई बहन को अपनी बेटी की जन्मदिन पर घर बुला लेती है। धोखे से उन दोनों को बीमार करने वाला जहरीला केक खिला देती है। उसको खाने के बाद तारा को कुछ नहीं होता, लेकिन उसका भाई निखिल बुरी तरह बीमार हो जाता है। तारा अपने भाई का इलाज बड़े अस्पताल में करवाने लगती है, लेकिन काफी दिनों के बाद भी डॉक्टर निखिल को ठीक नहीं कर पाते और हार मानकर उसे घर भेज देते हैं। उसके बाद तारा और भी कई जगह जाकर अपने भाई का इलाज करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। मैं अपने भाई को लेकर बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मेरे भाई को ठीक नहीं कर पाया। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। तभी जानकी और उसकी बेटी वहाँ आ जाती हैं। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है तारा बेटी, तुम्हारा भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। हाँ हाँ जानकी आंटी, कहिए मुझे क्या करना होगा। अपने भाई को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने सुना है दूर पहाड़ी पर हर पूर्णिमा की रात चांद प्रकट होता है, और जो भी वहाँ उसे मदद मांगता है वो उसकी मदद करता है। कल ही पूर्णिमा की रात है, तुम अपने भाई को लेकर उस पहाड़ी पर चली जाओ। ये सुनकर तारा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो अपने भाई के साथ पहाड़ की ओर चल देती है। माँ, क्या सच में वहाँ चांद प्रकट होता है? अगर ऐसी बात है तो हमें वहाँ जाकर चांद से ढेर सारी दौलत मांगनी चाहिए। अरे बेवकूफ, चांद भला धरती पर क्यों आएगा? मैंने तारा से झूठ कहा है। दरअसल वहाँ एक खतरनाक चिड़ैल रहती है जो दोनों भाई बहन को मार कर खा जाएगी। उनके मरने के बाद हम उनकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। दूसरी तरफ तारा किसी तरह अपने भाई को लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाती है। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। अरे यहाँ का माहौल तो बहुत ही डरावना है, पता नहीं चांद यहाँ कब आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर निखिल चुड़ैल को पकड़ लेती है। तारा आसमान में मौजूद चांद को देखकर प्रार्थना करने लगती है। हे चांद देवता, हमें चुड़ैल से बचाइए, मैं बहुत विश्वास के साथ यहाँ आई हूँ, आप हमारी मदद करिए। तारा की प्रार्थना चांद तक पहुँच जाती है और अगले ही पल चांद सीधा पहाड़ी पर प्रकट हो जाता है। चांद को देख चुड़ैल डर के मारे थर थर कांपने लगती है। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल को जलाकर मार देता है। उसके बाद चांद निखिल के ऊपर अपनी रोशनी छोड़कर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देता है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ था बेटी, तुम्हारी पड़ोसन ने जानबूझकर तुम दोनों भाई बहन को यहाँ भेजा था ताकि चुड़ैल तुम दोनों को मार कर खा जाए और उसे तुम्हारी सारी संपत्ति मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो हमारे वापस जाने पर भी वो हम दोनों को जान से मारने की कोशिश करेगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर अगले ही पल तारा की हथेली पर एक छोटा सा चांद प्रकट हो जाता है। इस छोटे चांद की शक्ति से तुम दोनों माँ बेटी को सबक सिखा सकती हो, और हाँ, उन्हें सबक सिखाने के बाद भी चांद को अपने खेत के बगल में मौजूद पेड़ के ऊपर टांग देना, फिर तुम्हारे खेत में ढेर सारे जादुई चांद की फसल उगेगी। जब भी तुम्हें कोई बीमार और अपाहिज इंसान मिले तो एक छोटे चांद को उसके सर पर रख देना, अगले ही पल उसकी सारी बीमारी और शरीर के सारे दोष दूर हो जाएंगे। उसके बाद चांद का शुक्रिया अदा कर तारा अपने भाई के साथ गांव लौट जाती है। फिर तारा जानकी के घर जाकर जादुई चांद की शक्ति से दोनों माँ बेटी को चूहिया बनाकर उन्हें छोड़ देती है। उसके बाद तारा जादुई चांद को अपने खेत के बगल में मौजूद पेड़ पर टांग देती है।
अगले ही दिन खेत में चारों तरफ जादू छोटे छोटे चांद की फसल तैयार हो जाती है। फिर दोनों भाई बहन बीमार और अपाहिज लोगों के शरीर को ठीक करके उनके सहायता करने लगते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर रश्मि नाम की एक बूढ़ी परी रहती थी। रश्मि परी के पास एक जादुई मिट्टी का घर था। वो घर बाहर से दिखने में साधारण मिट्टी का घर दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो किसी महल की तरह खूबसूरत था। रश्मि एक नेक दिल परी थी। जब भी आसमान की सैर करते हुए रश्मि परी को कोई गरीब या लाचार दिखाई देता, तो रश्मि परी अपनी जादुई मिट्टी घर की शक्ति से उस इंसान के ऊपर नोटों की बारिश कर देती थी, जिससे उस इंसान की सारी गरीबी दूर हो जाती थी। इस तरह हमेशा रश्मि परी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। फिर एक दिन रश्मि परी अपनी जादुई मिट्टी घर के साथ आसमान की सैर कर रही थी, तभी उसे खेत में कुछ बच्चे मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। वहां एक औरत उन बच्चों को छड़ी से मार कर उनसे काम करवा रही थी। चलो नालायकों, जल्दी जल्दी काम करो, अगर शाम तक काम खत्म नहीं हुआ तो मैं एक एक की टांगे तोड़कर उसे सिग्नल पर भीख मांगने के लिए बैठा दूंगी। मेरा नाम नागेश्वरी है, मैं नागिन से भी ज्यादा खतरनाक हूँ, समझ गए ना? आंटी, आप हमसे सुबह से काम करवा रही हो, लेकिन अभी तक खाने के लिए अपने एक रोटी भी नहीं दी। खाली पेट काम हमसे कैसे होगा, आप ही बताइए। अच्छा, आज तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, रुक जा, तुझे सही रास्ते पर लाने की दवा मेरे पास है। उसके बाद नागेश्वरी उस लड़की को पकड़कर उसके मुंह में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिसे उसका मुंह जल जाता है और वो बेचारी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। उस लड़की की हालत देख दूसरे बच्चे डर के मारे जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ नागेश्वरी की ये हरकत देख रश्मि परी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसके बाद रश्मि परी अपना जादुई मिट्टी का घर लेकर सीधा खेत में उतर जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से नागेश्वरी को पेड़ पर उल्टा लटका देती है। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू इस दुनिया की सबसे बुरी औरत है, जो अपने फायदे के लिए मासूम बच्चों पर अत्याचार करती है। लेकिन आज के बाद इन बच्चों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। उसके बाद रश्मि परी उन सभी अनाथ बच्चों को अपनी जादुई मिट्टी के घर के अंदर ले जाती है और अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ दूर बादलों के ऊपर चला जाता है। उसके बाद रश्मि परी उन सभी बच्चों को पहनने के लिए ढेर सारे नए कपड़े दे देती है। साथ ही रश्मि उनका एडमिशन शहर के एक स्कूल में करवा देती है। फिर वो बच्चे रश्मि परी की दी हुई जादुई कालीन पर सवार होकर स्कूल जाने लगते हैं। इस तरह रश्मि उन सभी गरीब अनाथ बच्चों की जिंदगी खुशियों से भरकर उनके जीवन को एक बेहतर दिशा दे देती है। फिर एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे जादुई कालीन पर सवार होकर जादुई मिट्टी घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें खूबसूरत झील दिखाई देती है। उस झील की सुंदरता देख सभी बच्चे जादुई कालीन झील के किनारे ले जाकर वहां खेलने लगते हैं। तभी नागेश्वरी उन बच्चों को देख लेती है। उन सभी बच्चों के सुंदर कपड़े और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख नागेश्वरी जल भुनकर राख हो जाती है। आज बड़े दिनों के बाद ये सब मेरे हाथ लगे हैं, आज मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन बच्चों को मारने के बाद ही इनकी जादुई कालीन को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके बाद नागेश्वरी उन सभी बच्चों को रस्सियों से बांध देती है। अब मैं तुम सभी को इस झील के पानी में डुबाकर जान से मार दूंगी।
ये सुनकर सभी बच्चे घबरा कर रोने लगते हैं। फिर नागेश्वरी एक एक कर सभी बच्चों को झील में फेंक देती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ रश्मि परी प्रकट हो जाती है। रश्मि परी फौरन अपनी जादुई शक्ति से उन सभी बच्चों को झील के पानी से सही सलामत बाहर निकाल लेती है। रश्मि परी को देख नागेश्वरी डर के मारे कांपने लगती है। अरे ये परी यहाँ कैसे आ गई, इसने तो मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। उस दिन तुझे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी दुष्ट औरत, लेकिन आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना कहकर रश्मि परी नागेश्वरी को एक फुटबॉल के रूप में बदल देती है। बच्चों इस औरत ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, ये देखो मैंने इसे फुटबॉल बना दिया है, अब तुम सब इसे अपना बदला ले सकते हो। फिर अगले दिन से वो सभी बच्चे फुटबॉल बनी नागेश्वरी को अपनी लातों से मार मार के उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। इस तरह उस बेरहम नागेश्वरी को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ उन बच्चों के जीवन में फिर से कभी कोई परेशानी नहीं आती, वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। किसी गांव में काव्या नाम की एक गरीब औरत अपने दो जवान बेटियों के साथ रहती थी। काव्या के पति का कई साल पहले देहांत हो गया था, इस वजह से काव्या खेती करके अपना और अपनी बेटियों का पेट भरती थी। फिर कुछ समय बाद काव्या अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में तय कर देती है। बस इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकूं। उस दिन से काव्या दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगती है। अपनी माँ को कड़ी मेहनत करते देख दोनों बेटियों भी उसके हाथ बटाने लगते हैं। लेकिन फिर एक रात अचानक वहाँ तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिस वजह से काव्या की खेत की कड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देख काव्या के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी कड़ी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगी। अगले दिन लड़के वाले काव्या के घर दहेज की बात करने आते हैं। देखिए कल रात तेज बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मुझे माफ करिए, मैं आपको दहेज में कुछ नहीं दे सकती। काव्या की बात सुनकर लड़के वाले नाराज होकर उसकी बेटियों की तय की गई शादी तोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बात से काव्या को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बेटियों की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने उनका रिश्ता तय किया था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी वहां गांव का साहूकार आ जाता है। ओ काव्या बहन, आज के दिन तुमने मुझे मेरे कर्ज के पैसे लौटाने का वादा किया था, इसीलिए मैं अपने पैसे लेने आया हूँ, चलो जल्दी से मुझे पैसे दे दो। साहूकार जी, आपको देने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, दरअसल कल रात को मेरे सारी फसल बर्बाद हो गई, आप मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारी रकम चुका दूंगी। देखो इस तरह के बहाने मैं कई लोगों से रोज सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दो दिन का समय देता हूँ, तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना, वरना मैं तुम्हारे घर को बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो, मैंने गाँव के कई लोगों के घर बेचकर अपने पैसे वसूल किए हैं। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। उसके बाद पैसों का इंतजाम करने के लिए काव्या अपने कई रिश्तेदारों के सामने हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन काव्या का कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करता। इस बात से काव्या पूरी तरह टूट जाती है। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, मेरे सारे रिश्तेदार मतलब ही निकले, अब मैं क्या करूं, लगता है अब मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, कम से कम मेरे मरने के बाद साहूकार मेरा कर्ज माफ कर देगा और मेरी बेटियां सुकून से उस घर में रह सकेंगी। उसके बाद काव्या आत्महत्या करने कुएं में कूद जाती है, लेकिन तभी आसमान से गुजर रही रानी परी उसे देख लेती है। अरे नहीं, ये एक औरत आत्महत्या कर रही है, मुझे उसे बचाना होगा। उसके बाद रानी परी कुएं के पास पहुंच जाती है और अपनी जादुई शक्ति से काव्या को कुएं से बाहर निकाल लेती है।
आखिर क्या बात है, तुम अपनी जान देने पर क्यों तुली हो? ये सुनकर काव्या रोने लगती है और रानी परी को अपनी घर की हालतों के बारे में सब कुछ बता देती है। सच में तुम्हारी जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन चिंता मत करो, आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर रानी परी काव्या को एक जादुई मेहंदी का कोन देते हुए कहती है, ये जादुई मेहंदी है, तुम इसे ले जाकर अपने खेत की जमीन में गाड़ दो। उसके बाद तुम्हारी खेत में रोज ढेर सारी मेहंदी की फसल उगेगी। इस तरह मेहंदी की फसल को बेचकर तुम अपना सारा कर्ज चुका सकती हो। साथ ही तुम्हारी जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद रानी परी वहां से चली जाती है। रानी परी के जाते ही काव्या फौरन अपने खेत की जमीन में उस जादुई मेहंदी के कोन को दबा देती है और थोड़ी ही देर में चारों तरफ ढेर सारी मेहंदी के कोन की फसल उग जाती है। ये देख काव्या बहुत खुश होती है। उसके बाद काव्या सारे मेहंदी के कोन तोड़कर बाजार में बेच देती है और उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। फिर काव्या साहूकार का सारा कर्ज चुका देती है। दूसरी तरफ काव्या के खेत में रोज ढेर सारी मेहंदी के कोन की फसल उगने लगती है, जिन्हें बेचकर कुछ ही दिनों में काव्या अमीर बन जाती है। फिर कुछ समय बाद काव्या अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में तय कर देती है। ये सब देख काव्या के पड़ोस में रहने वाली शोभा नाम की औरत को बहुत जलन होती है। अरे क्या बात है, तुम अचानक कितनी अमीर कैसे बन गई? फिर काव्या शोभा को रानी परी के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा तो ये बात है, लगता है उस कुएं में आत्महत्या करने वालों को रानी परी बचाकर उन्हें अमीर बना देती है। उसके बाद लालच में आकर शोभा उस कुएं के पास पहुंच जाती है और उसमें छलांग लगा देती है, लेकिन उसे बचाने वहां कोई नहीं आता। शोभा पानी में डूबने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे बचाने रानी परी क्यों नहीं आई? अरे कोई मुझे बचाओ, हे भगवान, मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखते ही देखते शोभा पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह शोभा को उसके लालच का फल मिल जाता है और वो अपनी रंजापुर नाम के गांव में सोनिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनिका शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए उसके पिताजी उसके लिए लड़का देख रहे थे। एक दिन उसके पिता घर आकर कहते हैं, बेटी सोनिका, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कल तैयार रहना, लड़का इंजीनियर है और बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, लेकिन फिर भी वो एक बार तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, आपने मेरी शादी मुझसे पूछे बिना तय कर दी। मैं राहुल नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करूँगी। तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मैं तो समझता था कि मेरी बेटी मेरे पसंद किए हुए लड़के से शादी करेगी। निकल जा मेरे घर से, आज के बाद मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सोनिका अपना सूटकेस पैक करके राहुल के पास पहुंच जाती है और दोनों शादी करके एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। राहुल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था और दिन के 100 रुपए कमाता था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद सोनिका गर्भवती हो जाती है। सोनिका, तुमने तो मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है, अब तो खर्चा और भी बढ़ जाएगा। मैं कल ही मालिक से बात करके शहर की कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रांसफर करवा लेता हूँ, वहाँ मुझे दिन के 200 रुपए मिलेंगे। हाँ ठीक है राहुल, शाम को आते समय मेरे लिए तुम जलेबी, समोसे, कचौरी ले आना। राहुल अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और अपने ठेकेदार से कहकर शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना ट्रांसफर करवा लेता है। राहुल शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कार से राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। सोनिका भी वहां पहुंच जाती है, तभी डॉक्टर कहती है,
सुनो, इनका जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कुछ दवाइयाँ और बिल काउंटर पर भर दीजिए। अगले एक घंटे में हम इनका ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सोनिका के पास अपने पति का इलाज करवाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने कान के झुमके गिरवी रखकर अपने पति का इलाज करवाती है। ऑपरेशन होने के बाद राहुल बच जाता है, लेकिन वो अपाहिज हो जाता है। सोनिका, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा और काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। ऊपर से तुम गर्भवती हो, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो राहुल, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। मैं कल ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगी। सोनिका कई जगह पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों ने कुछ नहीं खाया था। मजबूर होकर सोनिका अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है। पिताजी, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से वो चल नहीं पा रहे। घर में एक चावल का दाना नहीं है, प्लीज मेरी मदद करिए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तेरा हमसे रिश्ता खत्म। तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब तू ही भुगत। सुनिए, वो गर्भ से है, अब तो उसे छोड़ दीजिए, ये तो हमारी एक ही संतान है ना। भाग्यवान, तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो, वरना तुम्हें भी इसके साथ भेज दूंगा। अपने पति के डर से सोनिका की माँ चुप हो जाती है। सोनिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे थकान महसूस होती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और भूख की वजह से रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। सोनिका जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक जादुई पेड़ था जो मजबूर लोगों की मदद करता था। जादुई पेड़ सोनिका की रोने की आवाज सुन लेता है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सोनिका जादुई पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है और रोने लगती है। चिंता मत कर बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर जादुई पेड़ सोनिका को एक जादुई कढ़ाई से बना घर देता है और कहता है, बेटी ये एक जादुई कढ़ाई का घर है। इस कढ़ाई के घर में तुम्हें अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेंगी और इस बड़ी कढ़ाई में रोज 1000 प्लेट बिरयानी भी पकेगी, जिसे बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो और अपने पति का अच्छे से इलाज करवा के खुशी से रह सकती हो। और हाँ बेटी, जब भी कोई गरीब आए तो उसे तुम मुफ्त में मदद करना। ये सुनकर सोनिका बहुत खुश होती है। जादुई पेड़ कढ़ाई घर को छोटा कर देता है। सोनिका उसे लेकर अपने पति के पास चली जाती है। सोनिका उस जादुई कढ़ाई के घर को अपनी झोपड़ी के बगल में रख देती है। वो कढ़ाई का घर विशाल रूप धारण कर लेता है और उसमें गर्मा गर्म 1000 प्लेट बिरयानी तैयार हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बिरयानी की खुशबू सुनकर सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिरयानी खरीद कर खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सोनिका के कढ़ाई घर की बिरयानी सभी इलाकों में मशहूर हो जाती है। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अच्छे से अपने पति का इलाज करवाती है। राहुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर दोनों मिलकर जादुई कढ़ाई घर को चलाने लगते हैं। दोनों दिन में 500 प्लेट बिरयानी बेचते और 500 प्लेट बिरयानी बहुत सारे गरीब लोगों को मुफ्त में बांटते थे। इस तरह सोनिका और राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद सोनिका एक बेटी को जन्म देती है। नाती के जन्म से सोनिका के पिताजी भी सोनिका को माफ कर देते हैं। फिर सभी मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। चंपा और चमेली नाम की दो जुड़वा बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और एक पुराने झोपड़े में रहते थे। दोनों बहनें रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। इसी से उनके
परिवार का गुजारा होता था। फिर एक दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते शहर जा रही थी, तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। शेर से बचने के लिए दोनों बहनें तेजी से भागने लगती हैं। इसी दौरान उनके सर पर रखी टोकरियां जमीन पर गिर जाती है, जिससे उनके सारी मिट्टी के बर्तन टूटकर चिकनाचूर हो जाते हैं। अपना नुकसान देख दोनों बहनें दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी अचानक जादुई झाड़ू में उड़ती हुई एक जादूगरनी उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ? लगता है तुम दोनों बहुत परेशान हो। देखो, मैं लोगों की मदद करने वाली एक अच्छी जादूगरनी हूँ। तुम दोनों की हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे घर पर एक जादुई कुआं है, उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। तुम दोनों जितने चाहे उतने सिक्के निकाल सकती हो। चलो अब मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों खुश होकर जादूगरनी के साथ उसकी जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को हवा में उड़ाकर अपने घर ले जाती है। फिर दोनों बहनें सोने के सिक्के निकालने के लिए कुएं के अंदर उतर जाती हैं। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर मौजूद सांप उन दोनों को काट लेता है। फिर देखते ही देखते चंपा का शरीर पूरी तरह सोने में बदल जाता है। दूसरी तरफ चमेली पूरी तरह चांदी की बन जाती है। ये क्या हो गया? हम दोनों सोने और चांदी में कैसे बदल गई? जादूगरनी आंटी, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। दरअसल मुझे दो गुलामों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये चाल चली थी। आज से तुम दोनों लोगों को मार कर उनका दिल निकाल कर मेरे पास लाओगी। अब तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों जलकर राख हो जाओगी। इस तरह जादूगरनी उन दोनों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेती है। फिर अगले दिन से वो दोनों बहनें ना चाहते हुए भी लोगों को मार के उनका दिल निकाल कर जादूगरनी को देने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो, पास वाली नदी के किनारे एक बड़ा महल है। उस महल में रहने वाले दोनों राजकुमारों का दिल मुझे चाहिए। चलो तुम दोनों जल्दी से जाओ और राजकुमारों को मार कर उनका दिल ले आओ। जादूगरनी का हुक्म पाते ही दोनों बहनें महल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो दोनों चुपके से राजकुमारों के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। दोनों राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दोनों बहनें जैसे ही राजकुमारों की ओर बढ़ती है कि तभी अचानक राजकुमारों के चारों तरफ एक बड़ा कवच प्रकट हो जाता है। तभी दोनों राजकुमारों की नींद खुल जाती है। लगता है तुम दोनों हमें मारने आई हो, लेकिन हमारा ये महल पूरी तरह जादुई है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर दोनों राजकुमार अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन तभी चंपा और चमेली उन दोनों राजकुमारों को जादूगरनी के बारे में बताकर अपनी मजबूरी का दुख रोने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, उस बुरी जादूगरनी ने तुम दोनों को अपने बस में कर रखा है। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो राजकुमार अलमारी में रखी जादुई सुराई निकालकर उसका पानी दोनों बहनों के ऊपर डाल देता है। फिर देखते ही देखते उनके शरीर पर मौजूद सोने और चांदी पूरी तरह पिघल कर बह जाते हैं और दोनों बहनें फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। चलो भैया, अब उस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाते हैं, वरना वो इसी तरह मासूम को परेशान करती रहेगी। फिर दोनों राजकुमार अपनी जादुई घोड़े पर सवार होकर जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों राजकुमारों को देख जादूगरनी हैरान रह जाती है।
इससे पहले कि जादूगरनी कोई हरकत कर पाती, दोनों भाई अपनी थैली से बर्फ के जादुई गोले निकालकर जादूगरनी के ऊपर फेंकने लगते हैं। फिर देखते ही देखते जादूगरनी बर्फ की मूर्ति में बदल जाती है। अब ये दुष्ट जादूगरनी जिंदगी भर इसी तरह बर्फ की मूर्ति बनी रहेगी। अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद उन दोनों राजकुमार भाइयों की चंपा और चमेली से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाई चंपा और चमेली से शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने माता पिता के साथ आलीशान महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं।